कि अगर किसी यूट्यूबर ने ध्यान नहीं दिया है तो उसको बहुत नुकसान हो सकता है। यूट्यूब पे नाम सोचा और अपना चैनल बना लिया, वो चैनल हो सकता है मिलियंस में सब्सक्राइबर हो और व्यूज हो। जो हमारे मीडिया के लोग हैं उनके लिए ये दोनों काम करने बहुत जरूरी है क्या? कॉपी करने पे पनिशमेंट लग जाएगा, उसको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जिसके नाम से रजिस्टर्ड है वही है उसका मालिक। किसी ने अपना नाम और लोगो रजिस्टर्ड नहीं करवाया, ट्रेडमार्क नहीं करवाया, तो क्या उसका बिजनेस इलीगल हो जाता है? ऐसा और आपने बिजनेस कर लिया 5 साल 10 साल, और कोई उसी समय कोई स्मार्ट पर्सन उसने देखा कि अरे ये तो बिजनेस बहुत पॉपुलर है लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है, आप जिस नाम से बिजनेस कर रहे हो उसको संभालने के लिए क्या करोगे? आपकी कोई संपत्ति हो तो उस संपत्ति के सुरक्षा के लिए आप क्या करते हो? आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को ठीक से समझें और उसको रजिस्टर्ड भी करा दें। नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। कोई भी जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो मीडिया का हो या कोई दूसरी कंपनीज हो, उसके लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। आज इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ लीड इंडिया के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह सर हैं। नमस्कार सर, आपका नमस्कार बहुत बहुत नमस्कार स्वागत। नमस्कार मैडम नमस्कार ये जी बहुत ही बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है जी कि जी ये जो ट्रेडमार्क है और कॉपीराइट है, ये बिजनेस के लिए कितने जरूरी है और ये क्या होते क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला अगर यह प्रश्न है तो मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि लोग अवेयर हैं। तो सबसे पहली बात, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट क्या होता है। मैं इस सवाल का जवाब आगे दूंगा बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे आपकी कोई संपत्ति हो तो उस संपत्ति के सुरक्षा के लिए आप क्या करते हो? जरूरी चीजें जो जो है, ताले अगर आपके लगाते पास हैं, पैसे होंगे तो ताले में बंद तिजोरी करोगे, गहने लगाएंगे। हाँ हैं तो आप बैंक लॉकर में जाके रखोगे, सेफ रखोगे, है बिल्कुल। ना, उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हो। लेकिन इसी तरीके से अगर आपके पास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसका क्या करते हो? उसको सेफ करने के लिए, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपको कोई बहुत अच्छा आइडिया आया और आपने कुछ लिखा, उसको सेफ करने के लिए आप क्या करोगे? अगर आपने कोई बहुत अच्छी फिल्म बनाई उसके लिए क्या करोगे? आप जिस नाम से बिजनेस कर रहे हो उसको संभालने के लिए क्या करोगे? उसके लोगों को कैसे उसके लोगों को बचाएंगे? कैसे बचाओगे? अगर आपने नहीं बचाया, मान लीजिए कि आपने इसकी सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा और आपने बिजनेस कर लिया 5 साल 10 साल, और कोई उसी समय कोई स्मार्ट पर्सन उसने देखा कि अरे ये तो बिजनेस बहुत पॉपुलर है लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसका नाम लोगों तो किसी ने उसको सेव ही नहीं किया है, वो उसको चुरा लेगा। वो क्या करेगा कि वो उसको अपने नाम करा लेगा और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो अगर मीडिया में आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को ठीक से समझें और उसको रजिस्टर्ड भी करा दें। तो ट्रेडमार्क को ही हम पहले समझते हैं। जी ट्रेडमार्क बेसिकली होता है नाम और लोगों को रजिस्टर्ड कराना। ये कितना मुश्किल है और कैसे कराया जा सकता है इसे? सबसे पहले हम ट्रेडमार्क की अगर बात करें तो ट्रेडमार्क को समझ लें कि जिस नाम से और लोगो से आप ट्रेड करते हो, व्यापार करते हो, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। और उसको आप जब रजिस्टर्ड कराने जाएंगे तो उसके दो स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है टेम्पररी मार्क, आपको मिलता है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, टीएम बोलते हैं, यानी टेम्पररी मार्क मिलेगा। सबसे पहले ट्रेडमार्क को कराने के लिए अलग अलग क्लास बताए गए हैं बिजनेस के हिसाब से। आप जिस क्लास में बिजनेस कर रहे हैं यानी जिस काइंड ऑफ बिजनेस में हैं, आप उस क्लास में अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराने के लिए अपने नाम को सर्च करेंगे, अपने लोगों को सर्च करेंगे और वो देखेंगे कि भाई वो नाम अवेलेबल है कि नहीं। ipindia.gov.in की वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप ये सर्च कर सकते हैं और सर्च करके आप देख सकते हैं कि आपका नाम अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। लगभग कितना समय लग सकता है इस पूरे मैं प्रोसेस प्रोसेस एक बार कंप्लीट करता हूं, जब आप सर्च कर लोगे आपको लगे, आप उसी वक्त किसी भी एडवोकेट या फर्म के हिसाब से फर्म से आप कांटेक्ट कर लीजिए, लॉ फर्म में? से। यही मैं जानना चाह रही थी। मुश्किल होता है, आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट का एड्रेस बता दिया,
लेकिन बहुत टेक्निकल चीजें होती है, तो क्योंकि उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। हाँ। और अगर ऑब्जेक्शन आ जाएगा तो उसको रिप्लाई करना होता है, बहुत सारी चीजें करनी होती है, तो उसके लिए आपको किसी एडवोकेट या लॉ फर्म के थ्रू कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी ने अपना नाम और लोगो रजिस्टर्ड नहीं करवाया, ट्रेडमार्क नहीं करवाया, तो ऐसा सब पूछते हैं लोग, तो क्या उसका बिजनेस इलीगल हो जाता है? ऐसा है, बिजनेस इलीगल नहीं होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने मान लीजिए कि मैं बिजनेस, हम लीड इंडिया से बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये रजिस्टर्ड ना हो, कल को कोई भी व्यक्ति जाकर के लीड इंडिया नाम से अपने क्लास में, जैसे हम जिस क्लास में, हम मान लीजिए लीगल में कर रहे हैं, तो लीगल में जाकर, लीगल का क्लास होता है क्लास 45, उसमें जाकर के कोई रजिस्टर्ड करा लेगा अगर लीड इंडिया के नाम से, तो वो क्लेम करेंगे कि मेरा बिजनेस है, हमारे ऊपर स्टे ले सकते हैं, हमारे ऊपर कोर्ट में जाकर के रोक लगवा सकते हैं कि आप लीड इंडिया के नाम से कोई बिजनेस नहीं कर सकते। तो आप जिस नाम से बिजनेस कर रहे हो, अगर वो चाहते हो कि वो चलता रहे, कोई रोक ना लगा दे आपके बिजनेस को, तो इसलिए जरूरी है कि आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना चाहिए। तो डिस्प्यूट होगा तो वो कोर्ट से ही सोल्यूशन, बिल्कुल डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट जाएगा मैटर, और कोर्ट में जाएंगे तो बिना सुने हुए भी एक्स पार्टी स्टे लगा दिया जाता है। मतलब किस कंडीशन में एक्स पार्टी हो सकता है कि मैं जाऊं और मैं अपना रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट दिखाऊं हाई कोर्ट को कि मैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है मेरा, मेरे बिजनेस को बहुत लॉसेस हो रहे हैं, कुछ लोग मेरे नाम से बिजनेस चला रहे हैं। प्रायर यूजर का इसमें कोई वो नहीं होता? प्रायर यूजर तब आता है जब दोनों में से कोई भी रजिस्टर्ड ना हो और दोनों में डिस्प्यूट हो जाए, तब कोर्ट पूछती है कि इसमें प्रायर यूजर कौन है। अगर तो मान लीजिए कि मैंने भी अप्लाई किया, हाँ। आपने भी अप्लाई किया और दोनों ऑब्जेक्शन में है, मतलब दोनों का प्रोसेस जो अभी प्रोसेस चल रहा है, मतलब एक साथ आगे पीछे पहुंचे हैं, हाँ, उसी समय डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। तब कोर्ट निर्धारित करती है कि प्रायर यूजर इसमें। एक सिचुएशन और बनती है इसमें, मान लीजिए कि एक चला गया और मैं उससे 2-3 साल पहले से ही मैं काम कर रही हूँ, अब वो ट्रेडमार्क में दूसरा चला गया, तो सेम नाम, बिल्कुल, क्योंकि उसका रजिस्टर्ड नहीं हुआ है अभी भी, भले ही उसने अप्लाई किया हुआ है बट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो इसलिए उसमें इंपॉर्टेंस मिलती है प्रायर यूजर को। जब तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ तब तक प्रायर यूजर देखा जाता है, रजिस्टर्ड हो गया तो जिसके नाम से रजिस्टर्ड है वही है उसका मालिक। ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो दूसरे किसी क्लास में, सपोज उसने MSME रजिस्टर्ड करवा रखा है अपने आप को, या फिर जैसे अखबार की बात करें तो RNI रजिस्टर्ड करवा रखा है, दैट इज नॉट ए ट्रेडमार्क। अगर कहीं और भी आपने नाम रजिस्टर्ड करा रखा है तो कहीं और कराएंगे तो उससे यही साबित होगा कि आप प्रायर यूजर हो, प्रायर यूजर को हम साबित कर पाएंगे, वो ये नहीं साबित करता है कि आपको इस नाम से बिजनेस करने का अधिकार। अच्छा, तो फिर ऐसा होगा कि ट्रेडमार्क उन्होंने ले लिया, प्रायर यूजर ये हो गए? नहीं, मैं बताता हूँ, जैसे ABC, मान लीजिए मेरे अखबार का नाम है ABC समाचार, मैंने RNI से मेरे को टाइटल मिला हुआ, मैं अपना अखबार चलाता हूँ, ठीक है, तो मेरे को RNI ने टाइटल दिया हुआ है तो मैं चला तो सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ABC समाचार के नाम से आपने ट्रेडमार्क करा लिया, क्योंकि वहां पे कोई एप्लीकेशन नहीं था, आपको ट्रेडमार्क मिल गया, तो ABC समाचार के नाम से आप अपना बिजनेस चलाएंगे, जिस क्लास में भी आपने रजिस्टर्ड कराया होगा, और मैं अपना अखबार चलाऊंगा, तो नुकसान दोनों को होगा। तो बेहतर ये होगा कि ABC समाचार अगर अपना ट्रेडमार्क भी करा ले तो कोई और उस कैटेगरी में काम नहीं कर पाएगा, तो नाम सोल्ली उसी के पास आ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छी, तो सवाल यही है कि कॉपीराइट जो है क्या होता है और इसको हम कैसे क्लेम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ट्रेडमार्क तो समझ गया कि नाम और मार्क, ये समझ आ गया, और कॉपीराइट में क्या होता है कि कोई भी लिटरेचर, ऑडियो विजुअल, कोई ड्रामेटिक वर्क, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क, टेक्नोलॉजी नहीं कह रहा हूँ, या इस तरह का कोई भी चीज जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है, वो अगर आपने की हुई है तो उसको हम कॉपीराइट करा सकते हैं, ठीक है। यानी कि सेम चीज कोई नहीं कर सकता, मान लीजिए कि मैं सेम फिल्म, अगर मैंने कोई ड्रामेटिक, जैसे आप देखते होंगे कि सबको सर्टिफिकेट मिलता है, अब सेम कहानी सेम फिल्म नहीं बना सकता, सेम लिटरेचर कोई नहीं कर सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी करने पे पनिशमेंट लग जाएगा, उसको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, प्रोसेस सब कुछ यही होता है। आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें कॉन्सेप्चुअल कोई चीज इन्वॉल्व है तो उसका कॉपीराइट भी करा लीजिए, प्रोसेस सब कुछ ऐसा ही।
अक्सर ऐसा होता है और इसके लिए copyright.jovin.in पे जा सकते हैं और उसका जो है कॉपीराइट का एक स्टाइल भी होता है जिसको पहचान सकते हैं c@ करके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक अगला सवाल मैं करना चाहूंगी कि जो हमारे मीडिया के लोग हैं उनके लिए ये दोनों काम करने बहुत जरूरी है क्या, उन्हें किस तरह करने चाहिए? आजकल आप देखेंगे यूट्यूब पे लोग अपना नाम बनाते हैं और बना करके, मान लीजिए मैं आपको एक बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि अगर किसी यूट्यूबर ने ध्यान नहीं दिया है ठीक है तो उसको बहुत नुकसान हो सकता है। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यूट्यूब पे नाम सोचा और अपना चैनल बना लिया, वो चैनल हो सकता है मिलियंस में सब्सक्राइबर हो और व्यूज हो ठीक है, और मैं बड़ा स्मार्ट निकला, मैंने उसके नाम को जाकर के ट्रेडमार्क करा लिया, ट्रेडमार्क कराने के बाद से मैंने यूट्यूब पे ही जाके कंप्लेंट किया कि ये मेरे ट्रेडमार्क का वॉयलेशन कर रहा है और इसके सारे वीडियोस बंद करो, तो बहुत घातक हो जाएगा, तो उसका चैनल बंद हो जाएगा, उसका चैनल बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमारे मीडिया के अगर साथी हैं और वो अगर कोई भी किसी भी नाम से अगर वो अपने चैनल को चला रहे हैं उसका ट्रेडमार्क करा लें, नहीं तो कोई ना कोई निकल के आएगा जो जानता होगा, आपके नाम को ट्रेडमार्क करा लेगा और आपके चैनल को बंद। तो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क दोनों के उल्लंघन में वायलेशन जो होता है मतलब क्रिमिनल ऑफेंसेस माने जाते हैं? देखिए इसमें पेनल्टी लगती है, इसमें पनिशमेंट भी है, जेल का भी पनिशमेंट है, तो क्रिमिनल और सिविल दोनों तरीके से होता है और फाइन भी लगाया जाता है इसमें अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो। इसमें डायरेक्ट जुरिसडिक्शन जो बनता है वो हाई कोर्ट का बनाया जा सकता है, उसमें एक अमाउंट होता है, उस अमाउंट के ऊपर अगर लॉसेस हम दिखाएंगे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं सीधे सीधे और वहां जाकर के इस पे इमीडिएटली आपको रिलीफ मिल सकता है, सामने वाले पार्टी पे स्टे लगाया जा सकता है, उसके बिजनेस को बंद कराया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हमें अच्छे से काम करना है, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करना है तो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट बहुत जरूरी है। आपने इस सब पर इतना स्पष्टता से बताया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।